YouTube पर अभी हमारे चैनल BPA News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप कोई भी खबरों को मिस न करें व हमारे वीडियोस को लाइक करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं BPA News। देश का सच दिखाते हैं हम। कोरोना महामारी को लेकर लॉकडाउन में छूट देकर सरकार ने भले ही तहसील खोल दी हो, लेकिन अधिवक्ताओं व डीड राइटरों ने एहतियात बरतते हुए सप्ताह में मंगलवार व वीरवार को काम बंद करने का फैसला लिया है। इस दौरान यदि कोई डीड राइटर, अधिवक्ता व अन्य कारिंदे किसी तरह के डॉक्यूमेंट का कार्य कराते हैं तो उन पर ₹11,000 का जुर्माना किया जाएगा। यह फैसला मंगलवार को तहसील प्रांगण में आयोजित फरुखनगर तहसील एसोसिएशन की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के प्रधान अधिवक्ता राजेश राव ने की। इस दौरान मनोज यादव एडवोकेट, कुलदीप शहरावत, कुलदीप यादव दाबोदा, तेजपाल शर्मा, श्री भगवान गुरावडिया, राजेश सैन, संदीप राव, मनीष कुमार चौहान, दीपक यादव दाबोदा, अशोक शर्मा, टिपलू शर्मा, अरुण यादव, नरेश नंबरदार, जय भगवान नंबरदार, जितेंद्र कुमार सैनी, रोहतास नंबरदार, प्रदीप यादव अधिवक्ता आदि लोग मौजूद रहे। बैठक में अधिवक्ता राजेश राव एवं मनोज यादव एडवोकेट ने संयुक्त रूप से कहा कि कोरोना वायरस के चलते सरकार द्वारा लॉकडाउन में बेशक छूट दी गई है, लेकिन हमें भी इससे बचाव के लिए कुछ नियम कायदे अपनाने होंगे, जिसके तहत वह हर सप्ताह के हर मंगलवार व वीरवार